कोई नई बात तो है नहीं, और इतने बार आरोप लगाने के बाद भी बिहार की जनता ने उनके आरोपों को ठुकरा दिया है, उनको सबक भी सिखाया है। 15 का चुनाव हारे, 20 में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही, यहाँ अकेले तो हम ही लोग घूम रहे हैं। लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। बीजेपी के लोग जो है कैंडिडेट है, वरिष्ठ नेता है, लगातार इस बात को कह रहे हैं, प्रचंड बहुमत लाइए, हम संविधान को खत्म करेंगे। तो संविधान जो खत्म ये लोग करना चाहते, खुद ना खत्म हो जाए। छपरा उनकी कर्म भूमि रही है, छपरा के लोगों ने हमेशा, सारण की जनता ने लालू जी को हमेशा आशीर्वाद दिया है, और लोगों की वहाँ की चाहत थी कि भाई लालू जी जो हैं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ाए, तो लोगों की इच्छा भी उन्होंने पूरी की है। हमारी बहन ने माता पिता के लिए जो सेवा दिया है, जो पिता को जीवन दान दिया है, इस बार सारण की जनता को भी माता पिता समझ के वहाँ की जनता को वहाँ सेवा देगी। प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज एक बार फिर से सभा को संबोधित करने के लिए पटना से रवाना हुए, लेकिन रवाना होने से पहले पीएम मोदी पर ही खूब भड़क गए हैं। देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2014 से लेकर के 24 तक सिर्फ हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन वो क्या काम किए। वहीं पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जो है अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए सारण निकली है, इसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले वो सुने। प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि है ही नहीं, प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि होती है तो उस पर जरूर अपनी बात को रखते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से 24 में प्रधानमंत्री जो भी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वही घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, और इतने बार आरोप लगाने के बाद भी बिहार की जनता ने उनके आरोपों को ठुकरा दिया है, उनको सबक भी सिखाया है। 15 का चुनाव हारे, 20 में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही, तो लगातार तो उनको सबक सिखाया बिहार की जनता ने। कम से कम प्रधानमंत्री जी को सबक सीखना चाहिए था, आरोप लगाने से पहले अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए था। नौकरी पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, बिहार को विशेष राज्य दे रहे थे, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है पहले, विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, स्पेशल अटेंशन की भी बात कर रहे थे बिहार को। बताओ ना स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल राज्य का दर्जा, ना स्पेशल अटेंशन, तो कुछ तो किया नहीं, ना पलायन रोका, ना निवेश लाया बिहार में, ना इंडस्ट्री लाई, तो उनके पास उपलब्धियां है ही नहीं। तेजस्वी जी, चार सीटों पर आपने लगभग 3 दर्जन जनसभाएं की, मोदी जी ने 4 रैलियां की, योगी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, क्या रहने वाला जी पहले चरण का वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ तय करेगा। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, यहाँ अकेले तो हम ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए ये सब लोग जो है भयभीत है, और फिर से जो है संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये बार बार ये संविधान को कौन ख़त्म करना चाहता है, प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं भाई। लगातार जो है बीजेपी के लोग जो है कैंडिडेट है, वरिष्ठ नेता है, लगातार इस बात को कह रहे हैं, प्रचंड बहुमत लाइए, हम संविधान को खत्म करेंगे। तो संविधान जो खत्म ये लोग करना चाहते, खुद ना खत्म हो जाए। रामनवमी की सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं, हम भी माता का दर्शन लेकर के हम लोग आज निकले हैं, और यही हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, अमन चैन को कायम करें। लालू जी आज प्रचार के लिए पहली बार निकले? अरे तो निकलेंगे नहीं, गए हैं छपरा, गए हैं छपरा, उनकी कर्म भूमि रही है छपरा के लोगों ने हमेशा, सारण की जनता ने लालू जी को हमेशा आशीर्वाद दिया है, और लोगों की वहाँ की चाहत थी कि भाई लालू जी जो हैं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ाए, तो लोगों की इच्छा भी उन्होंने पूरी की है, और मुझे पूरा विश्वास है रोहिणी जिस हिसाब से हमारी बहन ने माता पिता के लिए जो सेवा दिया है, जो पिता को जीवन दान दिया है, इस बार सारण की जनता को भी माता पिता समझ के वहाँ की जनता को
वहाँ सेवा देगी। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, उनका कहना है कि देखिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं इसलिए रोहिणी आचार्य को सारण से उतारे हैं, और जिस तरीका से अपने पिता का सेवा किए हैं, माता का सेवा किए हैं, उसी तरीका से अगर सारण से वो जीतती है तो वहाँ की जनता को अपने माता पिता की तरह सेवा करने का काम करेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।